जयपुर में झगड़े में युवक की मौत के मामले को लेकर बवाल हो गया। घटना शहर के शास्त्री नगर इलाके की आजाद कॉलोनी की है, जहां देर रात आजाद कॉलोनी में एक ई रिक्शा और स्कूटी में टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद ई रिक्शा और स्कूटी पर सवार युवकों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और ई रिक्शा में सवार युवकों ने स्कूटी सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इस दौरान स्कूटी सवार जितेंद्र के साथी ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मारपीट की घटना के बाद घर पहुंचे एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत कराया। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना में शामिल तीनों आरोपियों को चिन्हित कर पकड़ने के लिए दबिश दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, वहीं फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी कर दी। इधर इलाके में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता इलाके में तैनात किया गया है। फिलहाल मौके पर शांति है। तो आपको बताते चले कि झगड़े में युवक की मौत के मामले को लेकर बवाल हो गया था। जयपुर में शास्त्री नगर में युवक की मौत का मामला सामने आया। परिजनों और सरकार के बीच मांगों पर अब सहमति बन गई है। दरअसल परिजन को संविदा पर नौकरी और एक कियोस्क आवंटित किया गया है। बता दें कि झगड़े में युवक की मौत के मामले को लेकर बवाल लगातार मचा हुआ था। घटना शहर के शास्त्री नगर इलाके की और आजाद कॉलोनी की है, जहां पर देर रात आजाद कॉलोनी में एक ई रिक्शा और स्कूटी में टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद ई रिक्शा और स्कूटी सवार युवकों के बीच कहासुनी हो गई थी। ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। ई रिक्शा में सवार युवकों ने स्कूटी सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। हालांकि स्कूटी पर सवार साथी ने इस बीच बचाव में आकर मामले को शांत कराया, लेकिन जैसे ही स्कूटी सवार घर पहुंचा तो मामला बिगड़ चुका था। दरअसल स्कूटी सवार की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए, विरोध बस्ती थाना इलाका शास्त्री नगर के अंदर एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालक के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि साथ स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई रिक्शा चालक थे, उनमें से तीन लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है,